नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों को मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीट का अक्टूबर वायदा 6102 पर है हल्की सी करेक्शन के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी कैसे सीट का वायदा बाजार 6100 पर के 6100 के लेवल्स पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है। आपको क्या लगता है आज ये करेक्शन कैसे सीट के अंदर गहराएगी या फिर अगले कारोबारी सप्ताह कैसे में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, जहाँ तक कैस्टर की बात है विलेश, कैस्टर के अंदर अभी जो बाजारों के अंदर सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक सुस्ती का कारोबार देखने को मिल रहा है। बाजार जो है एक रेंज के बीच में फंस गया है, 6000 एक अहम सपोर्ट, 6000 तोड़ता है तो नीचे जा सकता है और अगर 6000 नहीं टूटा तो वापिस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और ऊपर में अगर हम नवम्बर वायदा देखें तो वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से, तो आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। लेकिन इंट्राडे में आज के लिए अक्टूबर वायदा 6060 से 6040 तक लुढ़क सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर बिनौला कल की तो देखने की जो दिसंबर वादा है वो 2500 का लेवल तोड़ चुका है। आपको क्या लगता है क्या अगले कारोबारी सप्ताह बिनौला कल में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर निचले स्तर से खरीदारी निकल सकती है? देखिए, बिनौला कल के अंदर अभी बाजारों के अंदर बिनौला फल के अंदर अभी बाजारों के अंदर खरीदारी जो है फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों से दबाव फिर से बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2400 एक अहम सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं करता तो वापिस से ऊपर जा सकता है और एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये शर्मा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देखने की ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 10000 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5876 पर है। रूपा जी आपको क्या लगता है क्या वीकली क्लोजिंग होते होते ग्वार के अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और क्या यही लेवल्स आगे जाके अगले कारोबारी सप्ताह में तेजी की ओर जाते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए, जहां तक ग्वार की बात है अखिलेश, ग्वार के अंदर अभी फिलहाल देखिए 10000 के ऊपर फिर से लुढ़का बाजार, जो पहले की रेंज थी वही रेंज फिर बन गई है और अब फिर ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली है। अब 10000 के नीचे आज लुढ़क चुका है एक बार और आज गिरावट हावी होती हुई दिखाई दे रही है, तो नीचे में मान के चलिए कि 9900 से 9800 के स्तर एक बार फिर से आएंगे देखने को मिलेंगे और इसी रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज सीड भी 6100 के बाद लुढ़का 5800 तक गिर चुका है अक्टूबर वायदा, तो फिलहाल उठा पटक का माहौल है। 10000 के ऊपर और 6000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना काफी मुश्किल लग रहा है, 1-2 दिन की क्लोजिंग आती है तो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सुरभा जी देख रहे हैं कि मसाला पैक भी कुछ ज्यादा तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2-3 ट्रेडिंग सेशंस पहले अच्छी खासी एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई थी जो कि सिर्फ 1-2 ट्रेडिंग सेशंस तक ही सीमित रही और उसके बाद देख रहे हैं कि फिर से वही अपने सपोर्ट लेवल्स पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं मसाला। आपको क्या लगता है अगला कारोबारी सप्ताह मसालों के लिए कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए, अगले कारोबारी सप्ताह में अखिलेश उम्मीद की जा रही है कि वापस से डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बाजार फिर से गिरते हुए दिखाई दिए हैं और आज इंट्राडे में आप देखिए सभी मसालों के अंदर गिरावट जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट सभी एग्री कमोडिटीज ऊपरी स्तरों से लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है और मसालों में भी गिरावट है, तो आज इंट्राडे में अगर देखा जाए तो जो गिरावट आती है मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में वहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। धनिया की बात करें तो देखिए अक्टूबर वायदा एक्सपायरी के करीब है तो उनको छोड़ दे तो नेक्स्ट वायदा नवंबर वायदा जो है 7800 के आसपास मिले तो वहां पर बाइंग की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। वहीं हल्दी की बात करें नवंबर वायदा वो भी 7400 के आसपास बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। जी, ये जरा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की तो देख रहे हैं कि जो मस्टर्ड सीड का अक्टूबर वायदा है वो फ्लैट 8400 के ऊपर है, 8398 का अभी लो लग 8398 पर भी कारवा करता हुआ नजर आया था और देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया और सोयाबीन के अंदर भी कुछ ज्यादा खास लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सोयाबीन 5500 के घरों में आ चुकी है। आपको क्या लगता है आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन खाद्य तेल का बाजार कैसा रहेगा और आने वाला कारोबारी सप्ताह सरसों सोयाबीन के लिए कैसा साबित हो पाएगा? देखिए, अभी हफ्ते का आज आखिरी कारोबारी दिन गिरावट वाला हो सकता है। आज सभी एग्री कमोडिटीज में गिरावट है, वहीं खाद्य तेलों भी ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरसों में भी गिरावट है, सोयाबीन भी लुढ़का है और रिफाइंड सोया में भी गिरावट है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये गिरावट बढ़ सकती है। सोयाबीन के अंदर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है और सोयाबीन नीचे में 5400 तक लुढ़क सकता है, 5400 से 5200 के स्तर आप मान के चलिए देखने को मिल सकते हैं। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी जो है वो 1200 के घरों में आ सकता है, जबकि सरसों में ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर
यहाँ से बाजार लुढ़कता भी है तो 8,000 के आसपास एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो यानी इस हफ्ते गिरावट है और नेक्स्ट वीक भी गिरावट वाला रह सकता है। सरसों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि बाकी तेलों में गिरावट बनी रह सकती है। जी रूपा जी, सोयाबीन में नीचे में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? अगर ज्यादा जो गिरावट है अगर वो गहराती है तो मैक्सिमम कहाँ तक गिरावट देखने को मिल पाएगी सोयाबीन के अंदर? देखिए, अगर सरसों सोयाबीन में गिरावट गहराती है तो अखिलेश हमारा टारगेट नीचे में 5,000 तक है कि आने वाले दिनों में जो अगला वायदा है उसमें 5,000 तक नीचे लुढ़क सकता है सोयाबीन, क्योंकि अभी जो खबरें निकल कर आ रही है और जिस तरीके का सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी नेगेटिव है। थोड़ा फेस्टिवल सीजन के चलते हो सकता है कि सस्टेनेबिलिटी रहे 5,400 और 5,200 और 5,600 के घरों के बीच में, 5,000 का लेवल ब्रेक ना हो, लेकिन आफ्टर फेस्टिवल सीजन मुझे लगता है कि 5,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। मे बी उससे पहले भी आ सकते हैं ये लेवल्स, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में एक बार 5,000 का स्तर नवंबर वायदा में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा सोयाबीन को लेकर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो आवकें हैं मंडियों में आ चुकी हैं, भरपूर आवकें देखने को मिल रही हैं, वहीं से सोया मील का यानी कि जो सोया खली है उसका आयात भी सरकार लगातार कर ही रही है, और जो आंकड़े थे सोयाबीन की बुआई के वो ये थे कि अब बुआई का जो रकबा है पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर ही हो गया है, लेकिन मॉनसून जो फिर से सक्रिय हुआ है, रिएक्टिव हुआ है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई है हमारे पास कि सोयाबीन जो खेतों में अभी है वो फसलें बेकार हो चुकी हैं। ज़्यादातर राज्यों में सोयाबीन खराब होने की कगार पर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करूँ अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो सोयाबीन है वो बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नज़र आ रही है खेतों के अंदर भारी बारिश के चलते। आपको क्या लगता है अगर एक बार उत्पादन के आंकड़े क्लियर होते हैं, साफ होते हैं और उत्पादन कम देखने को मिल पाता है तो क्या किसान को सोयाबीन के उचित दाम मिल पाएंगे? देखिए, ये अभी आगे इसका रिजल्ट निकल कर आएगा कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन होता है। अभी तो देखिए जो सोइंग के आंकड़े हैं वो काफी अच्छे बताए जा रहे हैं, बिल्कुल बारिशों की वजह से काफी जगह पर कुछ एक फसलें भी खराब हुई हैं, तो इसका आंकलन जो है अभी आगे चलकर निकल कर आएगा। लेकिन हाल फिलहाल का जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है वो सिनेरियो गिरावट का है, लेकिन हाँ अभी अराइवल प्रेशर भी है मंडियों के अंदर, इसलिए बाजारों का उठ पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर क्रॉप डैमेज होती है और प्रोडक्शन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल सकता है और तेजी बन सकती है, लेकिन जब तक ये आंकलन निकल कर आएगा तब तक बाजार जो है गिरावट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी मंडियों में अराइवल पहुंच रही है तो उसका ही इंपैक्ट हम देख रहे हैं। और दूसरा, सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है ताकि एडिबल ऑयल की प्राइसेस को बहुत ज्यादा तेजी में ना जा सके, क्योंकि आगे दिवाली के चलते डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ सकती है, इसीलिए इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार भी पूरी तरह से चौकन्नी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। आप फर्दर हो सकता है कि आपको एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि बाजार एक बार गिर सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा कमा के चल सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस हफ्ते की बात करें तो आपको अगर स्ट्रेटजी लेकर चलनी है तो इस हफ्ते के अंदर अभी फिलहाल तो आज वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि सभी बाजार गिरे हुए हैं। आज गिरावट की स्ट्रेटजी आप चल ले सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं आज के लिए, लेकिन आने वाले फर्दर वीक के लिए मुझे लगता है कि बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मसालों में आप खरीदारी कीजिए और मसालों के साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कैस्टर अच्छा चल सकता है, कैस्टर के अंदर बाई करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आप कैसर और मसाले के अंदर खरीदारी करके अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, लेकिन आज थोड़ी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार लाल निशान के साथ कारोबार खुलता हुआ नजर आया है और लाल निशान के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हाल फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, जब अगले सब कारोबारी सप्ताह जब बाजार खुलेंगे तब देखें कि बाजार कैसा कारोबार कर रहा है और फिर अपनी रणनीति अपनाएं। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही। नमस्कार।